हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। मार्केट बहुत ही कंटिन्यूसली गिर रहा था, पर आज का दिन अगर आप देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये जो लेवल है, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि मार्केट स्टार्टिंग में सुबह 100 पॉइंट निफ्टी 100 पॉइंट के करीब करीब नीचे फिसल चुका था, पर वापस बाउंस बैक करके आप देख सकते हैं मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ दी है, वो जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो बहुत सारे लोगों से मुझे मैसेज आया था, सर कि अशोक लेलैंड से क्या करिए, फिसलते हुए मार्केट में ये शेयर बहुत ही नीचे जा रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अशोक लेलैंड ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक वो सब सस्ते हो रहे हैं। मैंने वर्ड यूज़ किया सस्ते हो रहे, ये स्टॉक में अशोक लेलैंड स्टॉक पकड़ लो, या फिर और भी बहुत सारे जो स्टॉक है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, इन्फोसिस, TCS, ये सारे स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं दोस्तों। उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो अलग स्टॉक में है, ऑयल कंपनी में थे। अगर DHFL, येस बैंक, इन स्टॉक से रिलेटेड अगर आप बातें करो, उनके वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस हुआ था, तो उससे रिलेटेड इन स्टॉक में थोड़ा सा बिकवाली हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, ये स्टॉक इनफैक्ट सस्ते हो चुके हैं, और ये एक बाइंग का मौका भी आपको दे रहे हैं कि बहुत ही सस्ते लेवल पे मिल रहे हैं दोस्तों। तो फिर अगर आपके पास अशोक लेलैंड ये स्टॉक है तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली दोस्तों होल्ड कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में ये डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा सा, अभी आप देख सकते हैं कि आज ही अच्छा कमबैक किया है, थोड़ा सा हरे निशान में आप देख सकते हो क्लोजिंग दिए, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट अशोक लेलैंड ये ऐसा स्टॉक है कि बाकी के कंपैरेटिव में इतना नीचे नहीं गिरा है। अगर आप देख सकते हो अशोक लेलैंड जब ये मार्केट जब गिरना स्टार्ट हुआ, ये 117-120 के करीब ही था, और आप देख सकते हो कि आज भी इसका अगर परफॉर्मेंस देखें, ये 110 के करीब ही क्लोज हो रहा है। तो इतना ज़बरदस्त, मतलब जो रिजल्ट, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि रीज़न कि आपको अशोक लेलैंड ये स्टॉक होल्ड ही करना चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर रह गए तो आपको मैंने बहुत बार बोला है दोस्तों कि अशोक लेलैंड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वो है 105 रुपया 105। और आप सभी को याद भी रहेगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जो लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड, तो तभी आप सभी को पता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो लोडिंग कैपेसिटी वाले जो शेयर से वो सब पिट चुके थे, और अशोक लेलैंड भी बहुत नीचे आ चुका था। पर आप सभी को पता है कि 105 लेवल पे आने के बाद ये शेयर में उछाल आ जाता है। तो आज ही ये शेयर में ने सेम जो चीज़ें दोहरा दी है, आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहले मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए कि कैसे अशोक लेलैंड ने जो पुराना ये जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक साल का चार्ट है, और ये देखिए ये जो लेवल था जहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी का जो आने के बाद, आप देख सकते हैं 105 के लेवल तक ये स्टॉक गिर चुका था, और बाद में वापस इसने कमबैक किया था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों, आज भी बहुत अच्छा कमाने का आपके लिए मौका था, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि अशोक लेलैंड का 105 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हो मार्केट स्टार्ट होने के बाद, ये देखिए 105 जैसे 105 पे पहुंचता है, इसमें खरीदारी बढ़ जाती है, और आप देख सकते हो वापस इसमें बाउंस बैक आने लगता है। और ये आज एक बार नहीं दोस्तों, ये दो बार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा लेवल था। ये देखिए आप देख सकते हो 105 के करीब का ही लेवल रहेगा, जैसे ये 105 के करीब के लेवल पे पहुंचता है इसमें वापस एक उछाल आना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 105 ये अशोक लेलैंड का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये आज ही दो बार इसने प्रूव करके बताया कि 105 के करीब आने के बाद ये स्टॉक में वापस उछाल आ जाता है। और इससे पहले भी यहाँ पे उसने एक बार ये इंडिकेशन दे दिया था कि 105 ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आज से रिलेटेड अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत ही अच्छा इसने वापस कमबैक किया है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर चाहो तो किसी के ले सकते हो, बहुत ही लंबी अवधि के लिए लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ बातें करी जाए तो आपको बताना चाहता हूँ, इसने जो सितंबर से रिलेटेड इसके जो रिज़ल्ट आए थे सेल्स के, उसमें भी इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आप देख सकते हो इसमें कि 26% तक इनके जो सेल्स इसमें से बढ़ी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सारी जगह से पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहे। पर क्या करें, अभी मार्केट का ही मतलब मूड ऐसा है कि डाउनफॉल में चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो स्टॉक में भी आप देख सकते हो कि कोई उसका जो फ़ायदा नहीं ले पा रहे अपने रिजल्ट से रिलेटेड। पर डेफिनेटली अगर ये पर्टिकुलरली अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो बहुत ही अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, और बहुत ही अच्छा आने वाले समय में भी ये बता रही है कि आने वाले समय में भी इसका पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा और ये अच्छे तरह से ही ग्रो करेगी। सो
यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो आखिर में कंक्लूड करते समय में यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी को लेना है अशोक लेलैंड तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है, अभी भी बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। और अगर आपके पास पहले से ही है तो आराम से इसको होल्ड कीजिए, लंबे टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो यही कहने बताना चाहता था दोस्तों। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आपने है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।